है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमान, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारे, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज है जिसके वजूद से वतन को आज खुद मुख्तार है वो रहबरी के लिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं अंजू पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। डीडी उर्दू हर हफ्ते आपको ऐसी खातून से रूबरू करवाता है जिन्होंने अपने फील्ड में कामयाबी की नई इबारत लिखी हो और जो अपने माशरे के लिए एक नज़ीर बन गई हो। इसी कड़ी में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी शिनाख्त की मोहताज नहीं है। वो अर्जुन अवार्ड विनर हैं, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। हिंदुस्तान में खेलों के सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से भी उन्हें नवाजा गया है। वो पहली ऐसी खातून हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए पैरालंपिक्स में पहला मेडल अपने नाम किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री दीपा मलिक जी की। मोहब्बत करना हो तो कोई खुद से करे, और अगर कोई कमी हो तो उसे खुद दूर करने की कोशिश करो। असल में जिंदगी का असली फलसफा यही है। ये सारी बातें दीपा मलिक की जिंदगी से सीखी जा सकती है। दीपा मलिक वो खातून है जिन्हें हुकूमत हिंद ने न जाने कितने इनामात और एजाजात से नवाजा है। मुल्क की खेल रत्न और पद्मश्री दीपा ने अपने पैरा ओलंपिक में करियर की शुरुआत उम्र के उस स्टेज से शुरू किया जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठ जाया करते हैं, और साथ में वो माजूर हो तो तसव्वुर भी बेमानी है। 46 साल की उम्र तक में 3 बड़ी सर्जरीज और 133 टांकों के साथ जिंदगी को ना सिर्फ इंजॉय कर रही हैं, बल्कि कामयाबी की नई और हैरत अंगेज इबारत लिख रही हैं। दीपा के पैरों में कमजोरी के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। उसके बाद एक एक कर दीपा के 3 ऑपरेशंस हुए, लेकिन दीपा की कमर के नीचे का हिस्सा सुन हो गया और वो अपने कदमों पर खड़ी होने से महरूम हो गई। इन सब के बावजूद दीपा की जिंदगी ना रुकी ना ही थमी, बल्कि और रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि दीपा इतने मुश्किल तर हालात और परेशानियों के बावजूद मौशरे की नजीर साबित हुई है। पद्मश्री दीपा मलिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपा जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत आप सबको भी मेरा सलाम आदाब नमस्कार। दीपा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खेलों की तरफ आपका रुझान कब शुरू हुआ था? देखिए, खास खेल शब्द को पकड़ूंगी तो शायद सही नहीं होगा, लेकिन यूं कहूंगी कि मुझे बाहर निकलकर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं बाहर निकलूं, कुछ भाग दौड़ करूं, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी हो, चाहे मैं तैरूं, चाहे मैं पिट्ठू सतोलिया गिली डंडा पकड़म पकड़ाई आँख मिचौनी, मतलब बाहर रहूं। और कई बार मुझे इसके लिए डांट भी बहुत पड़ चुकी थी, बचपन में काफ़ी डांट पड़ती थी, क्योंकि मेरे भाई जो बड़े हैं मुझसे 1.5 साल, वो बहुत पढ़ाकू और बहुत सीरियस और बहुत वैसे किस्म के प्राणी थे, तो उनसे जब मुझे कंपेयर किया जाता था बोलते इसमें लड़कियों की कोई गुणी नहीं है, ये तो जो लड़कों को करना चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसा बचपन में सुनने को आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमारा घर जिसमें बेटी और बेटे पे कोई खास फर्क दिया जाता हो, तो खेलों का कोई ऐसा बहुत बड़ा रुझान तब नहीं था। खेल माध्यम बने मेरी आवाज़ का, खेल माध्यम बने जब मैं इस कुर्सी पर आ गई और मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, तो कुछ इस शरीर से ऐसा करने की जिद कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि पूरा हिंदुस्तान और तमाम लोग ये देखें कि तो क्या हुआ, इसका शरीर पैरालाइज्ड है।
लकवा है तो क्या हुआ, ये इस शरीर से अब भी बहुत कुछ कर रही है। तो उसके फिर मैंने माध्यम ढूंढे, तो तैराकी ढूंढी, फिर नदियों में तैरा तो वो एक रिकॉर्ड बन गया, फिर भाला फेंका, गोला फेंका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी स्विमिंग करी। और जो खेलों का रुझान सही मायने में एक माध्यम था दुनिया को ये कहने का कि मुझे मेरे शरीर की अपंगता से ना पहचानो, मेरे मानसिक बल से पहचानो और इस शरीर में बची हुई काबिलियत से पहचानो। दीपा जी, ऐसा जज्बा बिरले लोगों में ही होता है और आपकी गिनती उन्हीं बिरले लोगों में ही होगी, लेकिन इतना हौसला, इतना जज्बा आखिर आप लाती कहाँ से है? हौसला, इंस्पिरेशन, आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा कि पहला तो मेरा रुझान हमेशा बाहर खुले मैदानों में, खुली हवा में, पेड़ों में। मुझे एक बार घर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, तो शायद एक वो चाह खुले में, क्योंकि जब मुझे लकवा हुआ तो बार बार लोगों ने ये कहा कि मल मूत्र की शक्ति नहीं है, पीठ में इतने टांके आ गए हैं, शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, तो ऐसी महिला का बाहर घूमना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके चलते शायद पति को भी ये समझ नहीं आया कि दीपा के अंदर तो वो आउटडोर व्यक्तित्व है, और उसी के बेसिस पे हमारा प्यार भी हुआ, विवाह भी हुआ। बहुत पढ़े लिखे फौजी अफसर, लेकिन प्यार में आकर उन्होंने फौज छोड़ दी ये सोचकर कि अब दीपा को लेकर जगह जगह जाना मुश्किल होगा। तो मुझे ये लगा कि मैं पढ़े लिखे समृद्ध परिवार से हूँ और मेरे शरीर के चारों तरफ की जो सोच है वो मेरे से सबसे लगे हुए जुड़े हुए लोगों को भी वही समझ आई जो समाज को समझ आती है। उनको ये एक ही ढांचे में डाला, एक ही नज़र में आका, हर एक का जो कहते हैं ना वजूद, हर एक की पसंद, हर एक के खुश होने के जो स्रोत होते हैं वो अलग होते हैं। बिल्कुल। किसी को खाना बना के खुशी मिलती है, किसी को पेंटिंग बना के खुशी मिलती है। मुझे ट्रैवल करने का, बाहर जाने का शौक था, तो मेरे उस व्यक्तित्व की पहचान जब मेरे पति को ही नहीं रही तो ये तो सबके साथ होता होगा, क्योंकि मैंने चल के भी दुनिया देखी और फिर मैंने पलंग पे पढ़कर एक ऐसे शरीर में भी मैं रही जिसमें ना कोई भी जान नहीं बची थी। तब एक विचार आया, क्योंकि बार बार अपने आप से सवाल करती थी कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया ये बीमारी देने के लिए। और तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि बिजली दिमाग में कड़कना या वो कहीं से एक रोशनी का नजर आना या इस बात का सत्य होना कि मेरा नाम दीपा है और दीपा एक दीप के तरह होता है जो एक रोशनी का प्रतीक है, तो मुझे शायद इसलिए चुना गया है कि मुझे ये रोशनी दुनिया को देनी है कि हर दिव्यांग बाद में हर अपंग व्यक्ति को निठल्ला, बर्बाद, उदास, कमरे में बंद ऐसा ना सोचा जाए, उसके लिए अवसर ढूंढे जाएं, उसका जो वजूद है, जो उसकी चाहते हैं, जो उसके ख्वाब है, उसको बुनने में मदद देना शायद प्यार का सही रूप है। उसको उसके हिसाब से जीवन के रुख को देना, जीवन की सड़क को देना, वो शायद ज़रूरी है। और ये तो मैं हूँ जो मॉडर्न और बहुत फॉरवर्ड विचारों वाले परिवार से हूँ, तो उन महिलाओं का क्या होता है, उन बच्चियों का क्या होता है, उन अपंगों का क्या होता है जो दिव्यांग बनने का सपना देखते हैं। तो शायद मेरे जीवन से मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे घर वालों की धारणा तो बदले ही, पूरे समाज की, पूरे संसार की धारणा बदले। तो कुछ एक जोश वहां से। और दूसरा मैं यही कहूंगी कि मेरी दो बेटियां थी नन्ही नन्ही, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां भी मुझे उस नजर से देखें, मैं उनके लिए एक नई नज़र बनाना चाह रही थी कि कम से कम ये दो नन्ही बच्चियां जब बड़ी हों और जैसे जैसे ये गुलिस्ता में खिलें
तो इनके गुलिस्ता में किसी भी फूल को दबावा कुचलावा ना महसूस किया जाए, वो अपनी माँ को भी खिलावा देखें। दीपा जी, जब ये सब कुछ आपके जहन में चल रहा था और आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा आयाम आपके शौहर को पता चला, तो फिर उनका पहला रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर कमरा बनवा दिया ससुराल में, जहाँ पे मेरे सास ससुर जी सेटल थे, तो वहीं पे फार्म हाउस है उनका, तो उसी पे मेरे लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया, स्पेशल बाथरूम बनाया गया, एक आया रखी गई। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके प्यार में कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी उड़ान भरनी है, मुझे अपने वजूद को ढूंढना है। अभी मैं एक किस्मत वाली दीपा हूँ जिसे इतने अच्छे पति मिले हैं, मैं एक ऐसी दीपा हूँ जिनको अभी भी सास ससुर रखे हुए हैं, मैं एक ऐसी दीपा हूँ जिनके बच्चे बेचारे शायद रुड़ रुड़ के बड़े होंगे, तो मुझे वो दीपा ढूंढनी है जिसके आगे खुश दीपा, स्वस्थ दीपा, एक्टिव दीपा, ऐसा वजूद जुड़ा हो, आत्मनिर्भर दीपा जो खुद अपने पैसे किसी पे खोपा गया, डिपेंडेंट, जैसे बीमार दीपा ना कहलाई जाए। तो अभी भी गाड़ी चलाने वाली दीपा, मोटरसाइकिल चलाने वाली दीपा, बाहर जाके खेलने वाली दीपा, घूमने वाली दीपा। तो वो बोले कि ठीक है, मेरा दायरा ये है और तुम्हारे दायरे में बंद नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि ये अब जो नया दायरा है वो मेरा, और जब तक मैं वो नहीं पूरा वजूद अपना बना लेती, आप साथ नहीं रहेंगे। अच्छा जी, ये हमारी शर्त थी, ना मैं आपसे एक रुपया लूंगी और ना आप साथ रहेंगे। क्योंकि जब भी एक महिला के साथ पति 5 मिनट के लिए भी दिख जाए 24 घंटे में से, तो उस महिला की पूरी मेहनत का जो पूरा हिसाब किताब है वो पति पे रख दिया जाता है, कि क्योंकि पति साथ है इसके लिए तो आसान है। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत खुशी खुशी अपने 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं विवाह, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन पिछले जो ये सफर है जिसे मैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की एक जर्नी कहती हूँ, इसमें मैं बहुत छाती ठोक कर कहती हूँ कि मैंने एक रुपया न पति न पिता न ससुर न भाई किसी मेल व्यक्ति से किसी पुरुष से नहीं लिया है, इसको अपनी मेहनत से पाई पाई जोड़ा है। दीपा जी, जिस वक्त आपने पैरा ओलंपिक्स में जाने का सोचा, तो उस वक्त किस किस तरह की दिक्कतों से आपको दो चार होना पड़ा? देखिए, पहला कदम तो घर के नज़दीक ही था, एक छोटा सा गार्डन रेस्टोरेंट खोला था, तो उस रेस्टोरेंट के चलते थोड़ी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आई, और उस रेस्टोरेंट के चलते जो आज की नई पीढ़ी है उससे मुलाकात हुई, नए आर्मी के अफसर, नए कॉलेज के बच्चे, उनसे ये पता चला कि कंप्यूटर के अंदर एक नई दुनिया रहती है, इंटरनेट से आपको बहुत कुछ पता चलता है। मेरे पास तो न टांगी थी और न चलने के लिए कोई फुटप्रिंट्स पद चिन्ह नहीं थे, मुझे अपने आप ही चलना था और अपने पद चिन्ह खुद बनाने थे, क्योंकि जो चीज़ें मुझे करनी थी वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि भारत में पहले किसी ने करी थी। तो इंटरनेट से काफ़ी मदद हुई, काफ़ी सीखा, चीज़ों के बारे में पता लगाया। फिर मैं पहले बाइकर बनी, सो कॉल्ड। अच्छा। उसकी अपनी जर्नी रही, उस पर आप एक किताब लिख सकती हैं, वो इतनी अपने आप में यूनिक जर्नी थी। वो करने के बाद फिर मैंने कार रैलीस, क्योंकि कुछ जिद थी कि वो पहिए क्यों जो ईश्वर ने दिए, वो पहिए जो मुझे पसंद है, वो पहिए क्यों जो ईश्वर ने दिए, वो पहिए जो मुझे पसंद है, कि मतलब ठीक है, और वो भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो खुदा ने खुद पूछा कि पता ये पहिए मेरे नहीं पसंद तो कौन से पसंद, और वो आए बिल्कुल, और वो ऐसे नहीं आए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनकर आए। तो उनके लिए नई पॉलिसीज बनी, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, हम जैसे दिव्यांग लोगों के लिए लाइसेंस का बनना, तो वो अपने आप में एक सफर रहा। लेकिन उस सफर से और लोगों से मिलने जुलने से मुझे पता चला कि खेल भी होते हैं, और क्योंकि मैं अपने हाथों को ताकतवर बनाना चाह रही थी, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ काम करता नहीं है, तो तैराकी, पानी की वर्जिश, और तैराकी करते करते ये समझ आया कि मैं डूब नहीं रही हूँ,
तो मुझे खेल मिल गया, एक ऐसा खेल मिल गया जिसमें मैं, मेरा शरीर, मेरे हाथ और मेरी अपनी मूवमेंट, कोई मुझे पकड़ नहीं रहा है, कोई मुझे बिठा नहीं रहा है। एक बार पानी में जाने के बाद मैं स्वतंत्र हूँ और अपने शरीर को अपने आप हिला सकती हूँ। तो एक उसने मुझे एक बहुत आत्मविश्वास दिया, एक बहुत अंदर से मेरे जोश भर गया। और साथ में पता लगा कि ऐसे खेल भी होते हैं। तो 3 वर्ष महाराष्ट्र से मैं लगातार खेली, अंतर्राष्ट्रीय भी खेली। फिर ठंडे पानी में मुझे तकलीफ हुई, ठंडे पानी में मेरा शरीर अकड़ जाता है, तो वो एक मेडिकल कंडीशन। जब आप स्विमिंग के लिए गए, स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो गर्मियों के महीने में तो ठीक है, पर सर्दियों में मेरा कोई पार नहीं पड़ता था। तो ये कह के एक हार मानकर नहीं छोड़ना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो गर्मियों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हूँ। मैंने यमुना नदी तैर के पार करी और वहाँ से लगभग 40 वर्ष की आयु में फिर मैंने एथलेटिक्स का रुख किया। तो 40 वर्ष में मैंने पहली बार जैवलिन जी वो सीखा, और वही साल था कि मैंने सीरियसली फिर राष्ट्रमंडल खेल, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, तब मैंने अपना रेस्टोरेंट बंद करके और दिल्ली का रुख किया। चलो दिल्ली। दीपा जी, हमने सुना है कि अभी हाल ही में आप जर्मनी गई थी, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी आपने देश का नाम रोशन किया है। जर्मनी एक बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक बार फिर भारत को पूरे संसार के मैप के ऊपर रख पाई हूँ। क्योंकि ये पहली बार है महिला या पुरुष कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी, जिसके तहत लगभग 184 कंट्रीज, ग्रुप्स, फेडरेशंस जुड़ी हुई हैं, तो 184 देशों में मुझे वुमन ऑफ द ईयर इन पैरालंपिक मूवमेंट चुना गया। तो ये पहली बार है कि भारत के किसी खिलाड़ी को ये ऑलमोस्ट ऑस्कर्स ऑफ पैरा स्पोर्ट्स इन्हें हम मानते हैं। बहुत खूब, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अभी हाल ही में आप न्यूजीलैंड में भी 15 दिन के टूर से वापस आई हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ खास हुआ वो भी जानना चाहेंगे। न्यूजीलैंड देखिए, जो सोच मैंने भारत के लिए रखी थी कि महिला चाहे किसी भी शरीर में हो, किसी भी उम्र में हो, अगर वो अपने ख्वाबों को बुनना जानती है, उसमें मेहनत के रंग भरना जानती है, तो हमेशा ही सफल और सशक्त हो सकती है। ये विचार इतना स्ट्रॉन्गली आया, मेहनत तो बहुत लगी, सालों लग गए, लेकिन उसका जो अंत में परिणाम ये रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे देश की हैं, जैसिंडा आर्डन मैडम न्यूजीलैंड की, वो अपनी फेलोशिप के लिए पूरे भारत के 130 करोड़ भारतीयों के प्रतिबिंब को, एक नए भारत के प्रतिबिंब को वो दीपा मलिक में देखती हैं, और वो दीपा मलिक को चुनती हैं कि ये है भारत का बदलता स्वरूप। और दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें मैं 130 करोड़ भारतीयों का वहाँ पे जाके प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरा वहाँ पे टूर रहा, कुछ जिम्मेदारियाँ रहीं, इंटरेक्शंस रहे, खेलों की दुनिया में भी और वुमेन एम्पावरमेंट में भी, तो काफ़ी अच्छा रहा। और वहाँ पे खुद मुलाकात हुई मेरी प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डन मैडम से, और मैंने देखा कि वो एक ऐसा देश है जो दिव्यांगों के प्रति खासकर और महिलाओं के प्रति बहुत सजग है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यही विचार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी हैं, तो बहुत समानता रही फोकस में कि वो अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी मुलाकात थी। दीपा जी, आपकी कामयाबियों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे उन्हें बयां करने में। मुझे लगता है कि एक नहीं बल्कि कई एपिसोड्स आपके साथ शूट करने पाएंगे, तभी हम आपके पूरे सफ़र को दिखा पाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में आप KBC में भी गई थी, तो बिग बी से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैं अमिताभ बच्चन जी से पहले भी एक दो बार मिल चुकी हूँ, लेकिन इतना मैं अपने आप को एम्पावर कर पाऊँगी कि मेरी कुर्सी हॉट सीट में बदल जाएगी, एक ऐसी हॉट सीट जिसपे बैठने को पूरी हिंदुस्तान की जनता बेताब रहती है और सालों साल लगी रहती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरी ये पूरा जो सफर, ये जो चीजें हैं, KBC में बुलाया जाना, कहीं ना कहीं सफर को एक खूबसूरत अंजाम देती है, या कहते हैं एक सर्टिफिकेशन, एक वैलिडेशन देती है कि जो रास्ता तुमने चुना वो वाकई
इम्पैक्टफुल रहा या उसने जिंदगियों को छुआ। दीपा जी, ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। हमारी जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी मकाम पर ज़िंदगी में बहुत लो फील करती हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बार बार मैं इस मंच से, जो भी मंच मुझे मिलता है, मैं एक ही बात कहती हूँ कि दुनिया आपको उस नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद अपने आप को देखती हैं। तो अपने आत्मविश्वास को कभी घटने ना दें और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुनर ज़रूर सीखें, क्योंकि मैंने अपने हुनर को निखारा। इस शरीर में मेरा बाइकिंग करना एक हुनर था, तैर पाना एक हुनर था, गाड़ियाँ चला लेना एक हुनर था, खेलों में जो मेरी रुचि थी वो मेरा एक हुनर था। तो आप मुड़ के देखेंगे तो ये मेरे हुनर ही थे जो मुझे बाहर निकाल कर, उभार कर और एक इतना बड़ा अचीवर बना कर ले गए। तो ज़रूर एक हर व्यक्ति को, महिला को, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जिसके अंदर वो ये कह सके कि हाँ, कल को कुछ ऊंच नीच हो तो ये मेरे खुशियों का स्रोत भी बनेगा और साथ में मुझे आत्मनिर्भर बनाने का भी स्रोत बनेगा। जब आप पद्मश्री लेने के लिए राष्ट्रपति भवन गई थी, उस वक्त क्या फीलिंग थी? राष्ट्रपति भवन तो मैं 5 बार मेरे पास 5 राष्ट्रपति पुरस्कार है आई थिंक, लेकिन जब भी उस भवन में कोई जाता है, राष्ट्रपति जी हमारे देश के पहले सिटीजन माने जाते हैं और शायद इतना बड़ा खिताब और इसके साथ एक बड़ी एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जब भी मैं उस मंच पे जाती थी और पता नहीं क्यों मेरे पिताजी कहते थे कि अरे वाह, तुमने मेरे जीवन के इतने साल बढ़ा दिए। मेरी शिकायत है मेरे पिताजी से कि मैं तो जीतती रही तो क्यों उनके साल बढ़े नहीं। मुझे पिछले वर्ष उन्हें खोना पड़ा, तो इस वर्ष जब मैं खेल रत्न लेने गई तो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे और वही बात उनकी याद आई कि क्यों ये खिताब उनका जीवन नहीं बढ़ा पाया। फिर एक और रियलाइजेशन हुआ कि जिंदगी एक ऐसा त्यौहार है जो तारीखों का मोहताज नहीं है, उसे हमें जब मौका मिले तब मना लेना चाहिए। तो खुशी है कि मैंने ज़िंदगी को केवल जीना नहीं सीखा, मैं जिंदा भी हूँ। दीपा जी, हमने ये भी सुना है कि आप पर एक बायोपिक बन रही है। जी जी, आपने सही सुना है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट में फरहान अख्तर जी और रितेश सिद्धवानी जी ने मेरे बायोपिक्स के राइट्स लिए हैं। स्क्रिप्टिंग तक हम पहुँचे हैं, आगे काम चालू है। जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी आप लोगों को, देखा से आप तो खबरों से हैं, आपको ज़्यादा जल्दी पता चलेगा। लेकिन एक बायोपिक बन जाए आपकी ज़िंदगी पर, ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी के कई आयाम हैं और वो सब भी सामने आने चाहिए। तो कभी ये ख्याल आया है कि अपने सफ़र पर एक किताब लिखी जाए? मैंने आई थिंक अंदर अंदर मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि पहले ये बायोपिक बन जाए, इसमें जो चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि 3 घंटे की बायोपिक होती है और मेरी ज़िंदगी के तो इतने सारे पहलू हैं। अगर मैं अपने रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने की जर्नी बताऊँ, या एक तरफ मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती हूँ और उसी साल में मैं अपने शरीर को खो देती हूँ, तो जो भी ये मेरी पूरा सफ़र है, क्योंकि बचपन में भी मुझे ट्यूमर आया था और 3-4 साल में नहीं चल पाई थी, फिर इतने सालों के बाद दोबारा ट्यूमर आना, तो फिर कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं, और फिर खेलों में आना, खेलों की जर्नी, पैसे ख़त्म हो जाना, कभी वीज़ा ना लग पाना, कभी कोच ना मिल पाना, तो फिर लाइसेंस की लड़ाई, गाड़ी चलाने का, लोगों का विश्वास जीतना कि कैसे एक महिला मोटरसाइकिल पर बैठ जाएगी जिसका कुछ काम ही नहीं करता, तो बहुत लोगों का विश्वास जीतना, बहुत लोगों से मदद मांगनी। तो कहानियाँ इतनी हैं कि शायद आपके भी इस इंटरव्यू में नहीं समाएंगी। 20-25 मैंने पहले कहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं लिखना चाहती हूँ। तो मैं जब तक अभी मेरे शरीर की जान में जान है, तो मैं जितना खेल सकती हूँ, जितना मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, जितना मैं स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में, अलग अलग शहरों में जाके अपना योगदान दे सकती हूँ,
तब तक मैं ये करूंगी, जब थोड़ा सा ढलाव आएगा तब मैं देखूंगी कि अच्छा मेरी पिक्चर में क्या नहीं बताया गया था, फिर मैं बैठ के किताबें लिखना शुरू करूंगी। लिखने का मुझे शौक भी है, कुछ कविताएं भी लिख लेती हूँ। कविताएं हम चाहेंगे कि आप अपनी एक पसंदीदा कविता हमें भी सुनाएं। देखिए, आपने मुझसे पूछा महिलाओं के लिए, मैंने महिलाओं को, बच्चों को, या हम कहें किसी भी व्यक्ति को, ये सब दिमाग का खेल है, सोच का खेल है। जब मैं उदास थी, नकारात्मक थी, नेगेटिव थी कि अब मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, तो मैं कुछ ऐसे लिखती थी कि यह मेरे शब्द नहीं जो कविता है कहते, आंसू हैं जो कलम की नोक से हैं बहते। दीपा जी, हमारी भी तहे दिल से ये ख्वाहिश है कि आपका सफ़र यूं ही चलता रहे, कभी आपके कदम ना थमें, और अपने आप नाम की तरह आप रोशनी फैलाती रहें और तमाम लोगों को इंस्पायर करती रहें। आपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए और हम आपसे आज मिल पाए, इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अफवाह हमारे ताबीर भी हमारे, 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 अफवाह हमारे ताबीर भी।